सीएम सिटी का नगर निगम को पूरी तरह से हाईटेक करने में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह लग गए हैं, जिसका नज़ारा मंगलवार को नगर निगम के गेस्ट हाउस में देखने को मिला, जहां कोटक महिंद्रा द्वारा कन्वर्ज इन्फो सर्विस के माध्यम से गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐप के माध्यम से सफाई कर्मियों को प्रतिदिन वार्डों की साफ सफाई की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। ऐप नगर निगम के कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखेगा। निर्माण कार्यों की भी निगरानी इसी ऐप से होगा और आम नागरिक भी अपनी समस्याओं को इसी ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। ये ऐप 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ऐप किस तरह से काम करेगा, इसकी विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण रीजनल मैनेजर कोटक महिंद्रा विशाल पांडे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वप्निल यादव ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की निगरानी में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया। इस अवसर पर संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार, आर के एल श्रीवास्तव प्रोग्रामर और जावेद अनवर सिद्दीकी सहायक प्रोग्रामर कंप्यूटर विभाग, सहायक लेखा अधिकारी लेखा विभाग राजीव कुशवाहा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र निर्माण विभाग अजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक स्वास्थ्य विभाग और कंप्यूटर ऑपरेटर कादिर, जलकल विभाग सहित अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, हमारे क्या है उसमें सारी चीज़ें हैं, केवल जो फोटो अपलोड अपलोड करने वाला सर मैं आपसे ये हो जाएगा। अच्छा, हमको स्वागत करा जी, मेरे यहाँ काम ही नहीं हुआ, अब हम ढूंढते फिर रहे हैं बाबू काम नहीं हुआ है, दूसरे काम दिखाई कर रहे हैं, वो सारा उस ऑलरेडी हमारे पास जो है उसमें है, केवल उसमें एक ऐप चाहिए रहेगा और जावेद है उसे तो हमारे पे बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि केवल मॉनिटरिंग के साथ साथ हमारे पास किया सारा रिपोर्ट पीडीएफ में जनरेट होगी। अब तो जब वो तो हमारा एक साइड एक हमारा काम है, ठीक है ना, एक साथ सड़क का काम है, ठीक है ना, उस सड़क का काम चल रहा है, हाँ ना, तो आपका एक आपको मॉनिटरिंग वाला मुझे एक बार डेटाबेस चेक करवाना रहेगा उसका, किस टाइप से उसमें काम होता है। उसमें बताऊँ, उसमें जैसे कि काम का नाम और ऑर्डर की डेट हो गई इसमें, और खत्म कब होना वो डेट हो गई इसमें, जी का नाम उसमें हो गया, ए का नाम उसमें हो गया जी। अगर एक्सेल शीट पे हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दें या मेल कर दें तो अपने आप तो हम इस सॉफ्टवेयर में वो कर सकते हैं। एक्सेल है, एक्सेल पे हम आपको दे देंगे, उसी से आप करके ये हमारे सब लोग हैं, स्पेशली कंप्यूटर के ही ट्रेंड है, और ये हमारे कंप्यूटर के और श्रीवास्तव हैं, ये दो लोग जो है सेक्शन के हेड हैं, जो अब एकदम हाईली ट्रेंड है इस कार्य के लिए। अच्छी बात, तो बस आपको एक बार सिस्टम को हमें कर देना है और एक बार ये हमारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो हम फिर खुद अपने स्टाफ को आपकी उपस्थिति में एक बार ट्रेनिंग देना चाहेंगे। जैसे सफाई वालों को बुला लिया एक सेकंड आधे घंटे का, हमारे सफाई के सुपरवाइजर थे उनको बुला दिया, उनको ब्रीफ हो जाए, जो कर सके कोई बात नहीं, जो नहीं कर सकते उनके साथ हम ट्रेंड लोग शुरू में लगाएंगे, जो उनको प्रैक्टिस करके उनके साथ ही खड़े होकर सिखाना चालू करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ सब करें, एक साथ हर आदमी को एक एक डिब्बे ही रोज करवाएंगे, दिन में दो डिब्बे रोज करेगा, रोज फोटो खींचेगा, उसे जब ट्रेंड हो जाएगा तो हो सकता है अगले 15 दिन में वो सारा करने लगेगा। आपको स्मार्टफोन होना चाहिए, बिना स्मार्टफोन भी नहीं कर सकता, तो प्राइवेट कंपनी पाई जा रहे हैं उनके पास भी स्मार्टफोन ही है और उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी करानी है तो हम उनको भी लगा सकते हैं, कहीं शुरुआत में जो है उनको भी ट्रेंड कर देंगे, वो इसको करवा देंगे और हो जाएगा टोटल कंप्लेन। ये तो हो गया हमारा ऑफिशियल वर्क, होगा पब्लिक कंप्लेन भी दिखाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन ना रहे, स्पेशली पब्लिक कोई कंप्लेन करती है तो हम सफाई कर्मी तक उसको भेजना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि साहब इस जगह पे जो है नागोशी अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, तो उसको साफ सुथरा से लेकर बिना फोटो वाला तो ऑप्शन भी बेकार है। हम कह रहे हैं इसको जैसे अकाउंट सेक्शन क्या इस डिटेल को अपने पेरोल से जोड़ सकता है, तो इसी सिम में हम कमांड दें वहाँ से अकाउंट सेक्शन में कुछ ऐसा जनरेट हो, उसके लोगों का चेतावनी देना चाहें, जैसे हमने इस डिप्लेसमेंट जोड़ दे। ये बेसिकली नगर निगम
लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए और जो सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन पर निगरानी रखने के लिए शीघ्र ही 15 अगस्त तक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप लॉन्च करेंगे जिसमें कोई भी सफाई कर्मी जो कार्य करता है उसका कार्य आकलित करने के लिए फ़ोटो के साथ आधार मिल जाएगा हमें। जैसे कहीं कोई कूड़े का डब्बा है, कूड़ेदान कितने नगर में है, वो नंबर के साथ उसके GPS कोऑर्डिनेट के साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन उसको जा करके कूड़ेदान के भरे फ़ोटो और फिर उसकी सफाई करने के बाद, खाली करने के बाद दोबारा फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करना पड़ेगा। ये ऐप ऐसा रहेगा कि ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींचते ही उसका स्थान, उसका GPS सब कुछ जो है उसमें दर्ज हो जाएगा। किसी भी प्रकार से वो गैलरी से फ़ोटो निकाल करके पुरानी फ़ोटो को नहीं चढ़ा सकता है। इससे हम कर्मचारी पे निगरानी कर पाएंगे कि वो प्रतिदिन सफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जितने कूड़ों की सफाई नहीं होगी, कूड़ेदान खाली नहीं होंगे, हमें सूचना मिल जाएगी। इसी प्रकार कोई सफाई कर्मी अपने क्षेत्र में सफाई करेगा तो सफाई करने के पहले उस क्षेत्र की फ़ोटो खींच के डालेगा, और जब सफाई कर लेगा अगर 2 बजे तक तो फिर 2 बजे फिर फ़ोटो खींच करके अपलोड करेगा। यदि उसने सफाई नहीं किया है और सफाई करने के बाद फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं करेगा तो स्वतः जो है ये सिस्टम बता देगा कि फला सफाई कर्मी फला क्षेत्र में, फला वार्ड, फला जोन में उसने सफाई का कार्य नहीं किया है। तो इससे सफाई कर्मी के ऊपर हमें निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं उसमें कब कार्य चालू हुआ, JEE कब मॉनिटर करने गए, उन्होंने कार्य को देखा नहीं देखा, जो भी फ़ोटो खींचेंगे वो उसी दिन उसी समय उनको अपलोड करना पड़ेगा और उससे संबंधित जो है डिटेल हमें प्राप्त हो जाएगी कि उस कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए संबंधित कर्मचारी अधिकारी मौके पर गए या नहीं गए, क्योंकि पुरानी फ़ोटो उस पर अपलोड नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ पब्लिक के लिए ये ऐप लॉन्च होगा कि पब्लिक यदि कहीं कूड़ा पाती है तो बस उसको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उस ऐप को जो एक एक्टिवेट करके उस पर एक फ़ोटो क्लिक करके डाल देंगे, उसकी सारी डिटेल किस स्थान का कूड़ा है, किस वार्ड का कूड़ा है, किस स्थल से है, उसका GPS हमें जो है उस ऐप पे प्राप्त हो जाएगा। बस उन्हें अपने शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर उसको भरना पड़ेगा और फिर हमारा सफाई कर्मी जा करके उस वहाँ सफाई करा करके साफ सफाई के बाद की ये फ़ोटो अपलोड करेगा। इस सिस्टम से हम अपने नगर निगम को हाईटेक कर पाएंगे, साथ ही साथ जो है हम डिजिटली एक्टिवेट होंगे और सफाई व्यवस्था पे निगरानी रख सकेंगे। इसी के लिए आज ये प्रथम चरण का ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिसमें कोडाक महिंद्रा ग्रुप की तरफ से ये हमें सुविधा दे रही है, वो सब कुछ डेवलप किए हैं और हम अपने डाटा को अपलोड करेंगे। आज प्रथम चरण में अधिकारियों को और जो हमारे कंप्यूटर सेक्शन के लोग हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और शीघ्र ही हम सफाई विभाग के जो हमारे सफाई सुपरवाइज़र हैं, सफाई सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, निर्माण के JEE है, AE हैं, XCN हैं, इसी प्रकार जलपल के जो अधिकारी हैं और सभी लोगों को इसका प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को हम अपने अधिष्ठान और पेरोल से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है अलर्ट निकलेगा, इसमें जो है चेकलिस्ट निकलेंगी जिससे पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है कार्य करने नहीं गया और स्वतः उसको चेतावनी, उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या उसमें वेतन कटौती, वेतन रोकने, इन सब तरह के आदेश जो है उसके कार्य के आधार पर कंप्यूटर से जनरेट हो पाएंगे। नगर निगम अपने को जो है हाईटेक करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है।